हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। दिल्ली के पास गाजियाबाद में थाने के अंदर पुलिस की गिरफ्त में खड़े कुछ लोग अपना चेहरा छिपाने लगे। आरोपी के लोगों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ के पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद किए, जिसे ये लोग नेपाल पहुंचाने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पुराने नोटों के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 1 करोड़ के पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद किए। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए 10 लोग कमीशन एजेंट हैं और इनको पुरानी करेंसी बदलवाने पर 1% का कमीशन मिलना था। पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उससे क्लियर होंगे कि कहां पे ये ले जाके पैसे को डंप करते थे। हालांकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का दावा है कि ये उनको फंसाने की साजिश है। हमारे पास कोई पैसा नहीं पाया गया, फिर भी हमारे ऊपर ये लगाया गया। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जांच हो अच्छी तरह। इसमें अरुण, अभिषेक और राजवीर नाम के 3 लड़के थे जो फरार कर दिए गए। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये रकम किसने दी और इन लोगों के पास कहां से आई। पुलिस का दावा है कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते करेंसी को खपाया जाना था। उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क के बीचों बीच दो लोग खून से लथपथ एक लड़के से हाथापाई करने लगे। आरोप है कि भीड़ भाड़ वाले लक्सर इलाके में दो लड़कों ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोद कर सरेआम हत्या कर दी। और हत्या से पहले सड़क के बीचों बीच हो रही मारपीट का वहां मौजूद लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे, लेकिन खून से सने लड़के को बचाने कोई नहीं आया। चश्मदीदों के मुताबिक संजू भटनागर नाम का लड़का अपने दोस्त अभिषेक के साथ बैठा था। इसी दौरान उनका एक और साथी वहां आया। इस बीच किसी बात को लेकर संजू और अभिषेक के बीच बहस हो गई। तभी अचानक अभिषेक ने पास में खड़े एक फल वाले के ठेले से चाकू उठाया और संजू के पेट पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। लेकिन काफी खून बहने के बाद भी संजू अपने दोस्तों से बहस करता रहा, जबकि उसके दोनों दोस्त उसे बीच सड़क पर पीटते रहे। इसके बाद बुरी तरह जख्मी लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। इसके बाद जानकारी मिलने पर वहां पहुंची पुलिस ने मारे गए लड़के के घर वालों को खबर दी और उसके शव को एक एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, यहां आया तो कुछ बताया, लोगों ने कुछ चप्पू मार दिया बस। दिन दहाड़े हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने अभिषेक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 3 लड़के थे और एक तो पुलिस ठेली के पास थे, दो लड़कों के आपस में झगड़ा हुआ जिसमें चाकू वाकू लगा है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह पुरानी रंजिश बताई और फरार हुए दूसरे आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी और शिवराज सिंह चौहान सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसान अपना हक मांग रहे हैं और सरकार के पास वक्त ही नहीं है। मंच से राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के 10 दिन में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। राहुल ने पहली बरसी पर मंदसौर की हिंसा के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 1200 किसानों ने आत्महत्या की, क्या हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों ने लाखों करोड़ का एनपीए है, 2.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनको दिया, क्या इन लोगों के परिवारों में किसी ने आत्महत्या की? एक व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। किसान पर कर्ज होता है, किसान को बताया जाता है जाओ आत्महत्या करो। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्ज होता है, लाखों करोड़ रुपए का एनपीए होता है, सरकार कहती है आइए, आपका नाम विजय माल्या है, आइए हम आपसे सौदा करते हैं, आपने 9000 करोड़ रुपए चोरी किया, ले 5000 करोड़ रुपए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर यूपीए की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए आपका कर्जा माफ करके दे दिया। और मैं स्टेज से मंदसौर के किसानों को, इन परिवारों को और हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी यहां बैठे हैं, सिंधिया जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं स्टेज से
जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया, किसानों पर गोली चलाई, किसानों को मारा। किसानों को मारा, पूरे देश में आज किसान अपना हक मांग रहा है, चिल्ला रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और ये जो परिवार आज यहां आए हैं ये उसके एक चिन्ह है, एक निशान है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी बीजेपी की सरकार हो, उन सरकारों के दिल में हिंदुस्तान के किसान के लिए इतनी सी जगह नहीं है, ये सच्चाई है।